हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिमा क्रिएशन। सो हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड एंड स्टे सेफ एट होम्स। सो एज यू कैन सी कि पीछे मेरा बैकग्राउंड है। सो अभी जस्ट मैं अपनी रील्स शूट कर रही थी और अभी मैंने एक मेकअप वीडियो शूट की है, जस्ट सो यू कैन सी द लुक। और ये जो मेकअप वीडियो से पहले आ जाएगी इस व्लॉग से। और ये बिल्कुल नेचुरल मेकअप है जो मैंने अपनी रिजल ऐप जो है उसमें एक मेकअप क्लास हुई थी सो उससे सीखा है। एंड दिस इज़ यू कैन सी ये स्मोकी आइज़ है। और ये सिर्फ हमने विद द हेल्प ऑफ काजल किया है और बिल्कुल ये नेचुरल लुक है। एंड यू कैन सी द पिंक रोजी ऑन माय चीक्स। सो ये मैंने लिपस्टिक से अप्लाई किया एंड मीन्स जो भी सब मैंने है अपने विद ऑल द डिटेल्स सब शेयर किया है। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट ऑन माय वीडियो एंड सब्सक्राइब। सो फ्रेंड्स, ये बस अब मैं किचन में आ गई हूँ और मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं और आज मैं खीर बनाने वाली हूँ। सो उसके लिए मैंने ये 1 kg दूध लिया है। सो मैं मतलब 1 किलो दूध की ही खीर बनाऊँगी। बॉईल करने के रख दिया है एंड ऑल्सो जो चावल थे वो मैंने पहले भिगो के रख रखे थे ताकि वो अच्छे से भीग जाएँ। और यहाँ अब मैं जो अपने ड्राई फ्रूट्स हैं जो आलमंड और कैश्यू वो ले लूँगी और उसको कट कर लूँगी इतने जब तक हमारा दूध बॉयल हो रहा है। सो इतने मैं अपने ड्राई फ्रूट्स काटना मैंने स्टार्ट कर दिया है एंड ऑल्सो इसके साथ साथ जो मेरा दूध है वो भी बॉयल होता रहेगा हमारा जो मिल्क है। सो यहाँ बस उसकी चॉपिंग चल रही है बिकॉज उसके बाद मुझे खाना ही बनाना है। सो मैंने सोचा क्यों ना, एक्चुअली आज का जो डे था वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था क्योंकि मैंने वीडियो वगैरह भी शूट की थी एंड ऑल्सो कुछ रील्स भी बनाई थी मैंने इंस्टाग्राम की। उसके बाद वही मुझे अपना किचन में लगना था तो बड़ा हैक्टिक हो जाता है, मन नहीं करता कभी कभी। बट यू नो गाइज, आप लोगों के लिए कंटेंट बनाने के लिए मुझे वीडियोस बनानी पड़ती है, रेगुलर होना पड़ता है। जब भी आप लोग कंटेंट पसंद करते हो सो गाइज़ प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। और वीडियो सच में अगर अच्छी लगती है, कुछ लगता है जेन्युइन, तो आप इस पर प्लीज़ वो भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं कुछ सजेशन के लिए। सो जो मैंने खीर बनाई थी ना, वैसे इसमें चीनी ज़्यादा हो गई थी सो मुझे वही फील हुआ कि चीनी कम होनी चाहिए थी बिकॉज मुझे ज़्यादा लग रही थी। सो यहाँ मैं अपना कढ़ी पकौड़ा बना रही थी तो मैंने बेसन गोल लिया है कढ़ी के लिए और ये थोड़ा सा जो गार्लिक है मैंने सोचा आज गार्लिक यूज़ करके देखते हैं, गार्लिक वाली कढ़ी बनाते हैं। सो गार्लिक मैंने कट कर लिया, एक ही कली ली थी मैंने गार्लिक की, ज़्यादा नहीं। तो जो ये जो हमारी कढ़ी थी उसमें थोड़ा सा मैंने तड़का प्रिपेयर करके अच्छे से मैंने कढ़ी तो पकने रख दी थी। अब बस मैं यहाँ पकौड़े की तैयारी कर रही हूँ। बेसन भी मैंने पकौड़े का घोल लिया था और बीच बीच में जो मेरी खीर है वो भी मैं चला रही थी। ऑल्सो कढ़ी पकौड़ा भी डालते जा रही हूँ और बीच बीच में उसको भी चलाते जा रही हूँ कढ़ी पकौड़े को, बिकॉज टाइम लगता है। मतलब जैसे मैं लोहे वाली कढ़ाई में बनाती हूँ तो एकदम से सारी पकौड़ी नहीं आती क्योंकि मैंने ऑयल कम लिया था। मैं ऑयल ज़्यादा लेती तो सारी आ जाती। ऑयल इसलिए कम लेना पड़ता है क्योंकि फिर वो बाद में वेस्ट जाता है, तो जितना ऑयल मैं फ्रेश यूज़ करती हूँ वो मैं बाद में नेक्स्ट डे सब्जी में यूज़ कर लेती हूँ बिकॉज ऐसा होता है, ज़्यादा अभी नहीं खाना चाहिए। तो अब मैं थोड़ा और डाल देती हूँ पकौड़ा और अच्छे से मैंने इसमें ना चावल का मैं आटा यूज़ करती हूँ। तो चावल के आटे से क्या होता है, जो हमारी पकौड़े या कुछ भी चीज़ होती है वो क्रिस्पी बनती है। सो मुझे इतनी टेस्टी लगी कि मैं कुकिंग करते करते खाने लग गई और बीच बीच में मैं अपनी कढ़ी भी चला रही थी, खीर भी देख रही थी बिकॉज चलाने से ना ये चीज़ होती है प्रॉपरली अच्छे से कुक होती है। सो बस पकौड़ियाँ बनती जा रही हैं कढ़ी की और कढ़ी भी बीच में चलाती रह रही हूँ और खीर भी बन रही है। सो बस साइमेंटेनियसली काम होना है, काम होता रहता है। और इसके बीच में फिर मैंने चावल वगैरह भी भिगो दिए थे क्योंकि मुझे कढ़ी पकौड़ा के साथ चावल ही बनाने थे। तो काम एक्चुअली वैसे कढ़ी पकौड़ा बनाने में आई नो उस दिन मैंने आई थिंक शायद कुछ रिस्क ही ले लिया था बिकॉज उस दिन मेरे को ऑनलाइन भी अपने शूटिंग का काम था और ऊपर से मुझे कढ़ी भी बनानी थी, पकौड़ा एंड देन खीर भी, फिर चावल भी मैंने इसके बाद बनाए थे जब मेरी खीर बन गई थी। बट इट्स ओके, आई थिंक कभी कभी हमें ऐसे होना चाहिए। सो अब बस मैं अपना कढ़ाई रख रही हूँ पानी बॉईल करने के लिए ताकि मैं जो अपने चावल हैं वो बॉईल कर सकूँ क्योंकि मैं उसको शुगर फ्री फैट फ्री करके बनाती बॉईल करके चावलों को। अब मैंने चावल भी डाल दिए, पानी बॉईल हो गया था, बस जो मेरे चावल हैं वो बॉईल होते रहेंगे। सो मैं बॉईल चावल बनाती हूँ, बहुत कम बनाती हूँ जीरा राइस, तो एक्चुअली ये होता है फैट फ्री हो जाता है। सो ये देखिए मेरी ड्राई फ्रूट की खीर रेडी है, कितनी अच्छी लग रही है
खीर, और सच में खीर बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। बस मैंने ये बताया ना कि आपको प्रॉब्लम क्या थी कि उसमें मीठा तेज हो गया था। मीठा तेज वाली चीज़ ही मुझे लगी थी, अदरवाइज इट इज़ वेरी गुड खीर। यहाँ पे मैं कढ़ी चला रही हूँ और चावल तो हैं जो बॉईल हो रहे हैं, क्योंकि अच्छे से चला दो ना तो सही रहता है, कढ़ी को पकौड़ियाँ दिखे मेरी ये रही। और बस थोड़ा सा जब कढ़ी अच्छे से थोड़ा बॉईल हो जाएगी, बस उसके मैं कढ़ियाँ पकौड़ी डाल दूँगी ताकि सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ मैं थोड़ी सी खीर टेस्ट कर रही थी, खा के देख रही थी, मैंने सोचा कि नो मैं भी खा लेती हूँ थोड़ी सी। सोई मेरी खीर है, मैंने थोड़ी सी डाल दी, गरम गरम बहुत थी खीर जब मैंने डाली थी, बहुत ज़्यादा गर्म थी खीर। तो अब मैं बस आपको बताऊंगी कैसी बनी है। गाइज, हेयर आई एम टेस्टिंग माई खीर। एक्चुअली गर्म बहुत है ये। इट इज़ सुपर। वाई? जो मैंने ड्राई फ्रूट्स उसमें डाले हैं, एक तो मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में डाले हैं, ऑल्सो जब मैंने चावल डाले थे इसमें, जब राइस मैंने इसमें ऐड किए थे उसी टाइम मैंने ऐड कर दिए थे ड्राई फ्रूट्स, उसका इन्हें क्रंच सा टेस्ट आ रहा है और ये अच्छे से पक चुके हैं, बहुत सॉफ्ट है। सच में ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। एंड आई थिंक इट्स अ परफेक्ट फॉर डेजर्ट। इफ वी हैव क्रेविंग सो वी कैन यूज दिस। इफ यू वॉन्ट दिस रेसिपी ऑफ माई खीर, मेक श्योर यू हैव टू कमेंट ऑन माई वीडियो एंड आई विल डेफिनेटली मेक अ सेपरेट वीडियो ऑफ हाउ टू मेक खीर एंड हाउ आई मेक खीर। देन आई विल अपलोड अ सेपरेट वीडियो फॉर दिस। टिल देन आई एम एंजॉइंग माई डेजर्ट खीर। स्टे ट्यून्ड।